अच्छे से करो छोटी मोनिका। गाइस कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी हो गया है टाइम 1 बजे का एंड आपने देखे होंगे इससे पहले वाले क्लिप्स चीकू जो है किस तरीके से सफाई करवाती है। एक्चुअली क्या है ना, आज ना मैंने मतलब मेड्स का क्या होता है ना गाइस, वो ना ऊपर ऊपर जो है ना, मतलब जहाँ जहाँ यस एक मिनट, मेड्स का क्या होता है ना, जहाँ ऊपर ऊपर मतलब खाली फ्लोर होता है ना, वहां पर तो ये अच्छे से क्लीनिंग जो है कर देती है, बट जो इनसे ना कोने कोने में अच्छे से ना साफ सफाई करवानी पड़ती है। सो ये काफी टफ काम हो जाता है, तो इसलिए आज मैंने जो ऐसे ना अच्छे से सारे कोने कोने में सफाई करवाई है। जो भी चीजें मतलब जैसे ये साइड टेबल वगैरह हो गई, इनको जो है आगे करवा करवा के अच्छे से मैंने जो है क्लीनिंग करवाई है। सो बस एंड चीकू को बहुत शौक होता है कि उसके साथ साथ जो है वो भी साफ सफाई करे। ठीक है, हर बच्चे को होता है, अब भी तो कर रहे हैं, बड़े होके नहीं करने वाले। बड़े होके तो कहेंगे मम्मी आप करो, हम नहीं करने वाले। तो बस अब जो है क्या कहते हैं, मैं बस सब्जी वगैरह मैंने बना दी है। हस्बैंड तो पता ही है, वो तो 9 बजे चले जाते हैं ऑफिस। मदर इन लॉ अपने रूम में है, चीकू अपने टीवी में जो है कार्टून देख रही है। एंड इसको बस अभी ना मैं थोड़ी देर में सोचू नहलाऊं, वैसे तो मैं सोचू कि ना नहलाऊं क्योंकि इसको है ना थोड़ा हल्का कोल्ड है, तो मैं यही सोचू कि इसको थोड़ा ना अवॉइड करूँ। मुंह हाथ पैर तो मैंने इसके धुला दिए थे। एंड गाइस मैं ना काफी बार सोचती हूँ कि ना मैं मॉर्निंग से ही मतलब जब उठती हूँ मैं, क्योंकि नॉर्मली 7 साढ़े 7 बजे उठ जाती हूँ मैं, तब से ही अपनी जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, बट इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर गाइस क्या होता है ना, व्लॉगिंग करना मतलब कि मतलब जिस काम में आपको 15 मिनट्स लगने हैं, 10 मिनट्स लगने हैं, फिर उसमें आपको 20 to 25 मिनट्स लग जाएंगे, बिकॉज आपको कैमरा सेट करना, साथ साथ जो है बोलते रहना, एंड सुबह इतना मतलब हरी हरी सब कुछ करना पड़ता है ना, मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है ना। तो क्योंकि लंच वगैरह हस्बैंड का पैक करना, सब्जी बनाना, रोटी वगैरह तो चलो मेड बनाती है, मेरी हाउस हेल्पर आटा वगैरह वो गूंथती है, चॉपिंग करती है, बट फिर भी बहुत कम हो जाते हैं। बच्चे के साथ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर अगर मैं ब्लॉगिंग करने लगी ना मॉर्निंग में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम करो तुम अपनी ब्लॉगिंग करो और खाना जो है 10 11 बजे तक बनाओ, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। तो इस वजह से मेरा थोड़ा ना इम्पॉसिबल ही हो जाता है मॉर्निंग में ब्लॉगिंग करना। तो फिर जब मतलब मैं फ्री होती हूँ उसके बाद ही मैं सोचती हूँ चलो यार अब व्लॉगिंग कर लेते हैं। एंड मैं मतलब मेनली मेरा पता है क्या होता है गाइस, कि मैं सोचती हूँ जब भी मैं कोई सब्जी बनाऊँ या कुछ भी न्यू, बोलो अभी चलाती हूँ नास्ता, तो क्या कहते हैं मतलब यही होता है कि मैं कोई भी सब्जी बनाऊँ या फिर कुछ न्यू रेसिपीज बनाऊँ, तो मेरा मन होता है कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ। इससे नहीं चलेगा बेबी, वो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मेरा यही मन होता है कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूं, बट कई मॉर्निंग में तो नहीं इम्पॉसिबल होता है ये मुझे ना जानकर, जब भी मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट करती हूँ ना ये बीच बीच में जानकर बोलती है। तो मतलब फिर मैं, लेकिन क्या होता है कि इवनिंग का तो चलो मैं शेयर कर ही देती हूँ जितना भी पॉसिबल होता है। ये लो एंड ये इतना परेशान करने लगी है ना गाइज, मैं तो लिटरली वेट कर रही हूँ कि जल्दी से 1 अप्रैल आए और मैं इसको स्कूल भेजूँ। कम से कम मुझे 2 3 घंटे के लिए आए, मम्मा तो अब मैं देखना पिटाई करूंगी आपकी, थोड़ा बहुत तो कम से कम मुझे रिलीफ मिलेगा। मैं जा रही हूँ लंच, मतलब बन ही गया चपाती, सभी हाउस हेल्प बना कर गई है, सब्जी मैंने बना दी थी मॉर्निंग में क्योंकि लंच देना होता है हस्बैंड को। तो बस अब मैं अपनी प्लेटिंग करने जा रही हूँ, मदर इन लॉ को भी खाना डालती हूँ। एंड हाँ, फादर इन लॉ गए हुए हैं, पापा गए हुए हैं बाहर डॉक्टर के पास, मतलब उनकी मेडिसिंस वगैरह ख़त्म हो गई थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड लेकर आते थे ना पहले उनकी सारी मेडिसिंस वगैरह, लेकिन अब जो है इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उनको काफ़ी जल्दी अर्ली मॉर्निंग में जो है ऑफिस निकलना होता है, तो इस वजह से वो नहीं ला पाते हैं। तो चलो अब मैं जा रही हूँ अपना लंच लेने के लिए एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। आज मैंने बनाया ये आलू टमाटर की सब्जी जिसमें बॉइल्ड आलू जो है डाले जाते हैं एंड इसमें अच्छे से मसाला डाला जाता है एंड इसमें सिर्फ जीरा हींग और टमाटर का ही तड़का लगाती हूँ मैं। बाकी जो है मसाले नॉर्मल जो होते हैं नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर ये सब डाला मैं इसमें, लेकिन गरम मसाला नहीं डालती हूँ, ये बहुत डिलीशियस बनती है। मैंने ये जो है
लस्सी बनाई है, एंड ऊपर ये मैंने जो है ना धनिया डाला हुआ है। आप लोग सोचोगे कि ये क्या है, तो मैं को ना धनिया डाल के ना काफ़ी अच्छी लगती है। सो अब बस मैं अपनी प्लेटिंग करती हूँ चिकू को भी, क्योंकि लंच गाइस मैं बस लंच करके जो है ना थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। वैसे तो रेस्ट करना इम्पॉसिबल ही है, तो इतने में बेल बजी, देखा तो कोई कोरियर वाला आया एंड मुझे लिटरली मतलब मुझे ही नहीं पता कि सॉरी 1 मिनट। हाँ एक्चुअली फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के नेम से है, तो मैंने फिर फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारे नेम से कोई कोरियर आया ले लूँ, तो उन्होंने कहा ले लो, तो मैंने लिया। अब वैसे तो उन्होंने मना कर दिया है कि ओपन करके नहीं देखना, बट गाइस पता ही है ना यार, हम फीमेल से नहीं रहा जाता कि इस मतलब ये आया देखो, एक ही बॉक्स है, पता नहीं है तो कुछ लाइट सही। वो देखो होगा तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड के मतलब का ही, मेरे मतलब का तो होगा नहीं। एंड मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट, इधर आना जरा, वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको ओपन करने की है चीकू को। ये देखो ये मैडम सीजर भी लेकर आ गई है, तो चलो मैं इसको ओपन करती हूँ। हाँ आप वीडियो के सामने से तो हटो बेटा, दिखेगा कैसे। बेटा ये हमारे मतलब का नहीं है, पापा के ही मतलब का होगा, अगर पापा ने मंगवाया है तो। हम खामखा एक्साइटेड हो रहे हैं। चीकू वेट नहीं हो रहा, ये देख लो इसको देख लो, इसको देख लो पहले जरा यार, ये चीकू दो बेबी, रुको रुको बेबी रुको। एक तो आप सीजर भी बेकार लेकर आ गए, दूसरे वाले लेकर आते ना। ये ऐसे खुलेगा, आप पहले इधर आओ, ये देखो किया है। वाह 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 वाह, ये कुछ मेरे को लग रहा है ये ना मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाने के लिए मंगवाया है, क्योंकि वो कह ही रहे थे मुझे एक दिन ना, बोल रहे थे कि बेबी अब मैं ज़्यादा इसको ओपन नहीं करूँगी, ये ना आई थिंक जो पॉल्यूशन से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए वाले जो ग्लासेस होते हैं ना, सन ग्लासेस, ये वो है। सो फिर चलो हो गया काम, तो मम्मा ये का है, यही था ये बेबी, ये ये पापा का है। चलो इसको वापस रख देते हैं, जब पापा आएंगे ना तो पापा इसको ओपन करेंगे। चलो एक्साइटमेंट खत्म हो गई है गाइस। सो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में, टाइम हो रहा है कुछ 4:30 बजे का, एंड मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाउमीन, जिसको हम नूडल्स भी कहते हैं, एंड ये मैं काफ़ी टाइम के बाद जाके आज बना रही हूँ। मुझे खुद को नहीं याद, सदियाँ बीत गई होंगी मैंने लास्ट कब बनाई थी, एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं इसको बनाते कैसे हैं, बट हाँ मैंने ट्राई करा बनाने का। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स वगैरह डाल दी हैं, एंड बस उसके बाद मैंने उनको सॉटे वगैरह करके, मैं आप देख सकते हो सारी सॉसेस मैंने रखी हुई हैं, मैं सॉसेस डाल दूंगी। एंड बीच में चीकू ना आए किचन में, ये तो हो नहीं सकता, ये इतना परेशान करती है ना मुझे किचन में, मुझे मतलब बीइंग अ मदर मुझे डर ही लगता है कि कहीं इसको कुछ लग ना जाए मिर्ची वगैरह, तो बट्स मैं इसको बोलती हूँ मतलब टालती रहती हूँ किसी ना किसी चीज़ पे कि बेटा मैं आपको ये दूंगी चले जाओ यहाँ से वगैरह वगैरह, तो बस फिर ये चले जाती है। बट हाँ उसके बाद भी बीच में इसने आना ज़रूर है, एंड अभी आप दोबारा देखोगी दोबारा आएगी। फिर बस मैंने यहाँ पे सारी सॉस वगैरह मैं डाल रही हूँ, एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लगता है ना ऐसे ग्रीन पूरा, मतलब ग्रीन रेड बहुत मिक्स फुल कलर्स हो जाते हैं ना, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। यहाँ पर ये मैम मेरे से ले रही है किसी, एंड उसके बाद मैंने इसको स्टूल दिया है, शी सेड कि मैम मुझे स्टूल दे दो मुझे ऊपर बैठना है, बट ये कुछ और ही करने वाली थी, बट मैंने इसको डांटा तो फिर ये रुक गई। सो यहाँ पर ग्रीन सॉस में डाल रही हूँ, एंड ये मैं इस तरीके से इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज़ ये ना मैंने अभी जस्ट ओपन करी थी, न्यू थी तो ये निकल नहीं रही थी। सो बाकी तो हाँ चाउमीन अच्छी ही बनी थी बिकॉज मतलब सॉसेज वगैरह डालो तो अच्छी ही बनती है, एंड मैं ब्लैक सोया सॉस जो है बस थोड़ी कम डालती हूँ, एंड यहाँ पे मैंने जो है नूडल्स डाल दिए, एंड ऑलमोस्ट अब मेरी जो चाउमीन है वो बनकर रेडी है। सो बस आप देख सकते हो कि मैं अभी सोया सॉस डालूंगी ना, मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में डालूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है इसका टेस्ट ना ज़्यादा,
थोड़ा मैं कम ही रखती हूँ। सो बस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है मेरी चाउमीन। एंड गाइस बस मैं इसकी प्लेटिंग कर दूंगी। एंड आई होप कि गाइस आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको पता ही है कि क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने भी नहीं किया है वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे नीचे सब्सक्राइब बटन पे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।